हेलो नमस्कार दोस्तों, 6 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो एक आर्टिकल है वो आया है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें मेनली यूएस की पॉलिटिक्स के कुछ पॉइंट है वो भी डिस्कस किए गए हैं, और जो पॉइंट है वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में इस पॉइंट्स का आप यूज़ है वो कर सकते हो। वैसे जो आर्टिकल का नजरिया है वो डिस्कस किया गया है यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में। आर्टिकल का कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, अगर उनका जैसे कोई भी एक पॉलिटिशियन अगर एक बार जैसे राजनीति में घुसता है कोई भी एक इंसान, तो फिर होता क्या है, उसके रिलेटिव वगैरह, उसके पड़ोसी, मतलब सारे उसके आसपास के जो लोग हैं वो सारे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और जितने भी सारे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो सब उसी से रिलेटेड आदमी को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में एग्जांपल ले सकते हो मुलायम सिंह यादव का, कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव एक तरीके से एक बार पॉलिटिशियन बने और उसके बाद उनका पूरा परिवार है वो सत्ता में आ गया। इवन जो प्रोजेक्ट होते हैं डेवलपमेंट वगैरह से, सारे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट हैं उनके रिलेटिव को मिलते हैं या उनके रिश्तेदारों को ही मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है केवल उन्हीं की मोनोपोली वो होने लग जाती है। तो उस बात की यहाँ पे वो जो पॉइंट है वो डिस्कस किए गए आर्टिकल में। मेनली यूएस के पॉइंट को नजरिए को डिस्कस किया गया, बट उस पॉइंट्स को हम इंडिया के नजरिए से भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिशियन है वो मतलब अपनी मनमर्जी है वो करने लग जाते हैं। और इवन बात ऐसी नहीं है कि पॉलिटिशियन का नजरिया है, आप किसी भी लेवल पर देख सकते हो। अगर कोई जैसे कोई भी इंसान अगर बड़ा अधिकारी बनता है तो भी वह क्या करता है, अपने आस पड़ोस के अड़ोस को सब लोगों को अपने ही अकॉर्डिंग फायदा वो पहुंचाने की शुरुआत है वो कर देता है। तो वो सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। इसके अलावा कुछ ज़्यादा एक दो पॉइंट थे वो थे नहीं, जो थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट के नाम से इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है क्या वो देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो मेनली 113 देशों की रिपोर्ट है या इंडेक्स है वो जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, यह इंडेक्स जारी किया गया वर्ल्ड जस्टिस और प्रोजेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट है यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है वो यूएसए में, यूएसए बेस्ड यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इंडिया की इसमें रैंकिंग है वह 62 आउट ऑफ 113, मतलब 113 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग 62 है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग बताएगी है इंडिया की। क्या क्या है आप आगे देखते हैं। देखो क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब साफ साफ ये है कि भाई वहाँ पे कानून का जो अधिकार, कानून का जो राज है वो किस तरीके से हो रहा है। ये मेनली पूरे कंट्री जो वर्ल्ड की मेन मेन कंट्रीज़ हैं जो जो इसमें शामिल हुई है उनका एक इंडेक्स जारी किया गया है। तो उसमें देखा गया कि कौन सी कंट्रीज़ में रूल है उनका, मतलब रूल ऑफ लॉ का अधिकार है या नियम, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ चल रही है नहीं चल रही है, लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप या तानाशाही का यूज़ करती है नहीं करती, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो देखो सबसे अहम पॉइंट है इसमें, जो प्रीलिम्स के नज़रिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक दो पॉइंट, इसके साथ मेंस के लिए भी बहुत, बट ये आर्टिकल जो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात सबसे पहले सामने आती है वो आती है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके आधार पे इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 8 पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे इंडेक्स जारी किया जाता है। सबसे पहला पैरामीटर तो आता है फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट है वो किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड है या नहीं है। देखो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट की मनमर्जी को रोकते हैं, फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के विरुद्ध हमें प्राप्त हुए हैं हमारे संविधान में। तो उसी तरीके से जिन जिन कंट्रीज में फंडामेंटल राइट नहीं है वो उनकी उनकी रिपोर्ट वो काफ़ी बेकार रही है यहाँ पे, कि फंडामेंटल राइट है वो स्टेट को अपनी मनमर्जी करने से रोकते हैं। इसके बाद में अगला है वो है भेदभाव का, कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको किस हद तक लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसके बेसिस पे इस पैरामीटर को यूज किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है वो होता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू सिक्योरिटी वाला, कि भाई वहाँ पे राइट टू लाइफ का क्या सीन है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि सऊदी अरब में राइट टू लाइफ का काफ़ी वायलेशन होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह भी इतनी रहती है, तो वो पॉइंट यहाँ पे सामने आ जाता है। इसके बाद में आते ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे भाई काम कितना पेंडिंग चल रहा है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये सारे काम लटका के रखे जाते हैं। इसके बाद में काम अगला पॉइंट आता है तो आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, कि वहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता है या नहीं है, या फिर बोलने वगैरह की स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई नहीं की गई। जैसे कि आप सऊदी अरब का फिर एग्जांपल ले सकते हो कि सऊदी अरब में लोग हैं वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते। अगर वहाँ पे धर्म के खिलाफ कुछ भी ऐसा होता है वहाँ पे उनकी सोसाइटी या वहाँ पे मुस्लिम धर्म के और कुछ भी ऐसा पॉइंट आता है तो उसके सर है वो कलम से अलग कर दिया जाता है। तो वो सारे पॉइंट आते हैं कि वहाँ पे लोगों को राइट है वो ज़्यादा एक लिमिट के बाद राइट्स वो नहीं मिले हुए हैं। और रही बात धर्म की, तो भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है पर बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी धर्म को लेकर भी मामला है वो सख्त रहता है। इसके बाद में बात आती है राइट टू प्राइवेसी, जिसको रिसेंटली हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया था। कौन से आर्टिकल के तहत, वो याद रखना है हमें, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो वो भी डिपेंड करता है कि भाई लोगों को किस तरीके से उनको मतलब छूट मिली या नहीं मिली हुई। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है वो आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि लोग अपना ग्रुप बना सकते हैं नहीं बना सकते। देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसका वापस एग्जाम्पल ले सकते हो,
सऊदी अरब वगैरह का, कि वहाँ पे काफ़ी लिमिट लगी हुई है, तो उसके वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आती है। सीरिया में भी एसोसिएशन वगैरह नहीं बना सकते भी रिसेंटली। इसके साथ बात आती है लेबर राइट की, लेबर्स को राइट किस तरीके से मिले नहीं मिले, क्योंकि ये भी देखो काफ़ी अमाउंट होता है सभी कंट्रीज़ के लिए। जो भी कंट्री होती है देखो उसमें इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, तो ओबियसली इंडस्ट्रीज़ में आप एग्जाम्पल देखते हो कि अगर वहाँ पर लेबर को राइट नहीं मिले तो किस तरीके से उस कंट्री का, मतलब वहाँ पर देख सकते भी तानाशाही का रूल चल रहा है। तो उस ये सारे जो 8 पैरामीटर हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन पैरामीटर के बेसिस पर जो ये रिपोर्ट है वो जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। उस रिपोर्ट का नाम याद रखना कि लॉ सॉरी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे बात आती है कि कौन कौन से और पॉइंट हैं। देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 71 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी हालात बहुत बेकार है, मतलब वहाँ पे देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ का एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का अधिकार नहीं चला है वहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप का माहौल है वो बढ़ रहा है। इसके बाद में बात आती है चाइना की भी आती है, इवन और कंट्रीज़ की भी, कि किस तरीके से भाई चाइना है वो ऑटोक्रेटिक है वो बनता जा रहा है, मतलब वहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप का रूल है वो हावी होता जा रहा है। वहाँ पर लोगों की जो संविधान के अकॉर्डिंग जो रूल है उनको एक तरीके से डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, केवल और केवल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कहती है धीरे। इसका मतलब साफ साफ ये कि देखो सोसाइटी है उसका पतन हो रहा है। इसके साथ ही क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन राइट की वायलेशन देख सकते हो कि कैसे, सीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो रिसेंटली, कि किस तरीके से सीरिया में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है बट फिर भी बाकी कंट्रीज वहाँ पर कोई एक्शन है वो नहीं ले रही हैं। इसके बाद में टर्की का देख सकते हो कि टर्की में भी किस तरीके से डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी की तरफ लगातार वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरीके से अपनी सारी पावर अपनी ओर केंद्रित कर लिए, उसकी वजह से वहां पे भी माहौल भी खराब होता जा रहा है। इसके बाद में सीरिया का एग्जांपल जैसा अभी हमने डिस्कस किया, चाइना है वो ऑटोक्रेटिक बनता जा रहा है, तानाशाही की तरफ लगातार बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को पीछे दिखा रही है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि सभी कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जो रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध चल रही हैं और सिर्फ डिक्टेटरशिप बनती जा रही हैं। इसके बाद में बात राइटरी कह रहे हैं कि देखो आजकल इसी वजह से काम ऐसा हो रहा है कि जीनोसाइड है वो बढ़ रहा है, इसके साथ ही जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है वो भी एक इसी का अहम कारण है कि सभी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने आप को अपने अपने दायरे में सीमित कर रखना चाहती हैं, बाकी हिस्से में नहीं फैलना चाहती। ह्यूमैनिटी का भी, मानवता का है उसको भी दरकिनार रखा जा रहा है। इसके बाद में आते हैं कि वॉर क्राइम वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल जाता है म्यांमार और रोहिंग्या का, कि भाई म्यांमार के अंदर रोहिंग्या का इतना बड़ा इशू हुआ, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कम्युनिटी वो है रोहिंग्या। रोहिंग्या वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है बट उसके बावजूद हुआ क्या, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब यूनाइटेड नेशन है वो भी एक लिमिट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब साफ ये है कि सभी कंट्रीज एक तरीके से मूक दर्शक बनके बैठी हुई हैं, कोई नया एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो साउथ एशिया के बारे में है, तो मेनली इसका जो फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद में कुछ पॉइंट हैं वो चाइना के भी हैं। देखो इस आर्टिकल का सारांश, सबसे पहली बात इसमें आपको बता दूँ क्या कहा गया, इस आर्टिकल में मेन पॉइंट ये कहा गया है कि भाई इंडिया पाकिस्तान और चाइना अगर मिलकर रहते हैं तो काफ़ी अच्छा इस क्षेत्र में फायदा हो सकता है, और तीनों क्षेत्र अगर तीनों कंट्रीज इस क्षेत्र में मिलकर आएंगी तो ही इस क्षेत्र का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर ढंग से हो पाएगा, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत वो आने वाली है। स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का सीन, कि भाई इंडिया और पाकिस्तान है वहाँ पे ब्लाइंड नेशनलिज्म, मतलब अंधा एक तरीके से राष्ट्रवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों ने आँख बंद कर ली है और सिर्फ अपने अपने ही देश के प्रति बातें सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ह्यूमैनिटी कहाँ है, मानवता कहाँ है, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। बात देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान बीच में तो ऐसी दुश्मनी हो रखी है जैसे कि एक दूसरे की जान ले लेंगे। जब भी कोई बात होती है दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर आरोप लगाते रहती हैं, और जो एक दोनों कंट्रीज के बीच जो मेल मिलाप की बात आती है वो तो ना के बराबर है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के मेल मिलाप करना ही नहीं चाहती है। इवन यहाँ पे बातें ये डिस्कस किया गया कि ट्रेड वगैरह वो तो ना के बराबर हो रखा है, वो देखा जाए तो हर बार दोनों कंट्रीज ऐसा मौका तलाशती हैं कि जब भी मौका मिले तो एक दूसरे को नीचे दिखाया जा सके। इसके साथ ही जो मेन पॉइंट आता है वो आता है सार्क का, कि जो साउथ एशिया का जो एक रीजनल ग्रुप बनाया गया था सार्क, वो भी आजकल एकदम चुप हो गया, उसमें भी कोई काम वो नहीं किया जा रहा है। सार्क भी एक तरीके से साइलेंट बन के बैठ गया, अदरवाइज सार्क की भी बहुत बड़ी अहमियत होती थी। इसके बाद में बात यह है कि देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ तो रिलेशन सुधार नहीं रहे हैं जबकि दूर दराज के साथ रिलेशन सुधार रहे हैं। यहाँ पे बात की जैसे इंडिया की, इंडिया क्या कर रहा है, यूएसए के साथ इसराइल के साथ अपने रिलेशन लगातार इंप्रूव कर रहा है, बट देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ इंप्रूवमेंट करने में कोई एक तरीके से तवज्जो वो नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान को हमेशा ही इनेमी कंट्री की नज़र से देखा जा रहा है। और इसके साथ में बात आती है पड़ोसी की, भाई पड़ोसी के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हट करना होगा। देखो कुछ एक लिमिट के बाद जाके आप पड़ोसी को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी का ही आपके काम आने वाला है। और एक अहम रीज़न ये भी है कि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि बॉर्डर कोई 10-20 किलोमीटर का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बहुत बड़ा बॉर्डर है। इवन इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी कोई छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है।
अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया का कौन सी कंट्री के फेस करता है। तो आपको जितनी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर फेस करता है उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में राइटर फिर वो बात बता रहे हैं कि देखो देखा जाए ना तो 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, तो कल्चर का भी कोई इशू नहीं था, दोनों का एक ही कल्चर था, एक ही मतलब धर्म वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं था। बट उसके बाद में जब देश है वो डिवाइड हो गया था 1947 के बाद, हुआ क्या, देश तो डिवाइड हुआ ही हुआ, इसके साथ कल्चर भी डिवाइड होना शुरू हो गया। कल्चर एक ही था जबकि स्टार्टिंग में इंडिया और पाकिस्तान का लैंड तो एक ही था ना, उसके बावजूद हुआ क्या है, धर्म के नाम पे हुआ या फिर कल्चर, उसको भी आजकल एक तरीके से डिवाइड करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो आपस में एक तरीके से कोल्ड वार का सीन है वो स्टार्ट हो गया है, और कई बार तो यून ऐसी नहीं, कई बार तो गोलीबारी भी होती है, कोल्ड वार के तरह भी नहीं, कोल्ड वार से भी कई बार तो प्रक्रिया वो आगे चली जाती है, बार बार जो देख सकते हैं कि सीज़ फायर का उल्लंघन है वो होता है। इसके बाद में बात आती है कि देखो पुराने टाइम पर जो मुंबई है वो भी काफ़ी अहम पोर्ट था इंडियन इकोनॉमी के लिए, और कराची भी इंडियन इकोनॉमी का एक काफ़ी अहम पोर्ट था। पर देखा जाए तो जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में वार हुआ था, उसके बाद मुंबई और कराची के बीच का कनेक्शन है वो भी एक तरीके से ठफ हो गया, और दोनों पोर्ट के बीच में कोई ज़्यादा एक्शन है वो नहीं ली जा रही है, मतलब कनेक्टिविटी है उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो सीन क्या हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों मिलकर कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का भी बात देख लो कि जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज़ पर दोनों कंट्रीज़ ने किस तरीके से माहौल है वो खड़ा कर रखा है। इसके बाद में बात आती है चाइना की कि भाई चाइना है उसने तो आग में घी का काम कर रखा है, चाइना है वो लगातार एक्चुअली चाइना है वो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से माहौल है वो और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। देखा जाए तो आर्मी के अंदर जो कठोरता है वो भी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से हमारे देश के जो विपिन रावत हैं वो भी एक तरीके से ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे और ज़्यादा मामला और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा संवेदनशील मामला हो जाता है। तो राइटर यहाँ पे यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आर्मी के लेवल पे देखा जाए या फिर लोकल लेवल पे देखा जाए या फिर राजनीति के लेवल पे, सभी लेवल पे जो रिश्ते हैं वो एकदम ख़राब हो चुके हैं और इन रिश्तों को हमें इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि देखो रिलेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर राइटर लास्ट में कुछ सुझाव भी दे रहे हैं कि जो जो सुझाव हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जैसे कि USA हुआ, इज़राइल हुआ या रशिया हुआ, बाकी और जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेक रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के वार से। देखो सीन क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों को ओबियसली वेपन्स की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर पर पैसा खर्च करेगा और इंडिया भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिफेंस सेक्टर पर खर्च करेगा। अब इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि दोनों वेपन अपने लेवल पर बना सकें, दोनों ही क्या आपको पता है कि जो वेपन्स हैं वो एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मेनली USA से या यूरोपियन यूनियन से। अब उस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो USA तो वो खुद ही यही चाहता है कि भाई अच्छी बात है उसका तो काम चलता रहे, क्योंकि US की जो इंडस्ट्री है वो तो आपको पता है कि US तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का, तो US तो यही चाहेगा ना कि भाई उसके वेपन्स सब बिकते रहें। तो US तो एक तरीके से ही देखेगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खत्म होगी तो फिर उसके वेपन नहीं बिकेंगे तो उसका फायदा उसकी इंडस्ट्री को लॉस हो जाएगा, तो वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहा है। और बाकी कंट्रीज भी सेम ऐसे देख रहे हैं डेवलप कंट्री कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलनी चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि लड़ाई एक लिमिट के बाद बढ़े, वो ये चाहते हैं कि आपस में खिंचतानी होती रहे ताकि उनका वेपन्स है उनका हथियारों का जो मामला है वो बिकता रहे, वो मैंने इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। और इसी वजह से इंडिया और जो पाकिस्तान दोनों इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों को लॉस है वो होते जा रहा है। इसके बाद में बात रहती है कि दोनों ही कंट्रीज हैं वो डिफेंस सेक्टर पर थोड़ा मोटा पैसा खर्च नहीं करिए, बहुत ज़्यादा पैसा वो डिफेंस सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है। अगर इसी पैसे को सी डायरेक्शन में और जगह यूज किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी दोनों को फायदा होने वाला है, पर दोनों ही पैसा वो अंधाधुंध सिर्फ वो डिफेंस सेक्टर के नाम पर पैसा खर्च करिए जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद में बात की आती है कि अगर इंडिया पाकिस्तान और चाइना अगर तीनों ही देश एक साथ मिलकर आते हैं इस क्षेत्र में तो तीनों ही इस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन का कदम है वो लेके आ जाएंगे, मतलब तीनों के द्वारा इस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन वाली स्टेप उठाया जाएगा। POK देखो एक विवादित किस्सा है, नो डाउट इस बात का सभी को पता है। इसके बाद में बात आती है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है वो मैंने कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे देखो इंडिया के कंसर्न है वो उस बात को राइटर मना नहीं कर रहे हैं, बट राइटर का यहाँ पे ये सुझाव देना है कि भाई इंडिया को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि राइटर ये कह रहे हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें चाइना ने ये नहीं बोला है कि POK है वो पाकिस्तान कह रहा है, उसमें भी POK को ये कहा गया कि POK है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से विवादित जगह है, तो ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी वो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उसे इंडिया और पाकिस्तान को फायदा होगा, इसलिए इंडिया को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद में देखो बात एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा, वो कहा जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात। यहाँ पे देखो राइटर एक चीज ये कह रहे हैं कि अभी इंडिया और जो पाकिस्तान है ना उसके बीच में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना के बराबर है, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में इंडिया और सोशल बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है तो उसमें राइटर कह रहे हैं कि भाई इंडिया
और पाकिस्तान के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो ना केवल मतलब इकोनॉमिक ट्रेड ये बहुत कम हो रहा है। तो अगर ऐसे माहौल में अगर जैसे तैसे भी अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ा दें तो फिर हमें इस चीज़ का फ़ायदा बहुत होगा, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है ना उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर हम हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ा लें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया जाता है यूएसए और चाइना का, देखो काफ़ी ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यूएसए और चाइना का। ये कहा गया है कि देखो यूएसए आपको पता है कि चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है और चाइना के लिए भी यूएसए बहुत बड़ा दुश्मन, मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए इनेमी है, कट्टर दुश्मन है। उसके बावजूद भी आपने कभी देखा कि दोनों कंट्रीज के में ट्रेड हो बहुत ज्यादा है, मतलब ट्रेड इतना ज्यादा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के विरुद्ध स्टेप वो नहीं उठा सकती, क्योंकि चाइना है वो यूएसए पर डिपेंड है, यूएसए वो चाइना पर डिपेंड है। तो सीन ऐसा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नाते वो एक लिमिट के बाद अपने रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। बात की जाए तो चाइना और से जापान का एग्जांपल है, तो कि चाइना और जापान के रिलेशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसके बावजूद भी उनकी इकोनॉमिक रिलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपने रिलेशन एक मिनट के बाद ख़राब कर ही नहीं सकते अब जाके भी। तो सेम वही बात यहाँ पर राइटरी कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक जो रिलेशन है ट्रेड रिलेशन उनको बढ़ाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों कंट्रीज़ एक लिमिट के बाद अपने अपने रिलेशन को ख़राब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगी। अब इंडिया पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएगा और पाकिस्तान इंडिया पर निर्भर हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर लगाम लग जाएगी कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि दोनों के बीच में जो टेंशन है ना वो कम हो जाएंगी। तो उसी ये बात पॉइंट्स काफी अच्छा राइटर के द्वारा बताया गया। इसके बाद बात ये आती है कि देखो चाइना वो तो इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वन बेल्ट वन रोड वाला, इसका वो नाम भी चेंज करने के लिए तैयार है कि भाई पाकिस्तान का नाम हटा के मतलब इंडिया का नाम है, बाकी कंट्रीज़ का नाम भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बट फिर भी इंडिया से ज्वाइन है वो नहीं कर रहा है, और चाइना ने तो इस चीज़ के लिए द्वार भी खुले रखे हैं कि इंडिया जब चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। देखो वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट को कनेक्ट ज्वाइन करने से इंडिया को फायदा सबसे बड़ा तो ये होने वाला है कि इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो चाइना के साथ भी बढ़ेंगे, और इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बढ़ेंगे साथ साथ में पाकिस्तान के साथ। अगर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के रिलेशन लगातार बढ़ते हैं, इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेशन बढ़ते हैं, तो उसका फायदा ही होगा कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत होगी, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत होगी, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत होने वाली है। तो कुल मिला के होगा क्या कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बाद एक लिमिट के बाद अपने रिश्ते को खराब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस मामले में शांति है वो भी यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। इसके बाद में बात की आती है, क्योंकि 1947 के बाद सीन ये हुआ था कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है ना, मतलब इंडिया वाला सब कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पे की गई है कि इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा दरार है वो हो गई थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ, अब समय आ गया कि उस दरार को खत्म किया जा सके। क्योंकि 1947 में सबसे बड़ा काम ये हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बन गए थे, पहले एक कंट्री था तो डिवाइड हो गए तो वो एक दरार बन गई थी। अब उस दरार को एट्रे कह रहे हैं कि खत्म करने का टाइम आ गया है। जैसे देखा जाए कि तापी गैस पाइपलाइन जो कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही है, दूसरा देखा जाए तो वो देखा जाता है ईरान पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन की बात की जाए, दोनों से काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। और ऐसी बात नहीं कि इंडिया को फायदा होगा, इन दोनों प्रोजेक्ट से इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी फायदा होने वाला है। इसके बाद में बात ही आती है ऑल ओवर लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक और ट्रेड है उन दोनों से ही दोनों कंट्रीज़ को फायदा होने वाला है, तो इसीलिए दोनों कंट्रीज़ को इस समय फोकस उठाना चाहिए, कदम उठाने चाहिए ताकि दोनों को इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी बने रहें और ट्रेड भी ज़्यादा ज़्यादा हो, जिससे दोनों के बीच में जो तनाव है जो फालतू है इधर उधर ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं उससे दोनों को मुक्ति मिल सके। ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स है वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज से ये आर्टिकल है, इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें इंडियन क्लाइमेट चेंज के बारे में फोकस किया गया ज़्यादातर इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली मौसम की जो प्रिडिक्शन वगैरह है बताता है कि हाँ भाई मौसम इस बार ऐसा होगा, वेदर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह सारे काम वो करता है। वो देखा जाए तो हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो बारिश पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। राइटर ये बता रहे हैं कि देखो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बारिश पर डिपेंड है, इसका ऐसी बात नहीं है, हमें काफ़ी बार नुकसान भी होता है क्योंकि आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से बारिश इनरेगुलर होती है। अगर बारिश इनरेगुलर हो रही है तो ऑब्वियसली इंडिया को इस चीज़ का लॉस होते जा रहा है, क्योंकि बारिश देखो इनरेगुलर होती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है कभी कम होती है, और मैक्सिमम खेती है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो उससे हमें नुकसान होने वाला साफ साफ है। इसके बाद में बात आती है कि क्लाइमेट का, कि देखो क्लाइमेट का जो इफेक्ट है ना वो हमारे सभी लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट का लेवल जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो बड़े लेवल पे होता है बाकी छोटे लेवल पे नहीं होता। इवन देखा जाए तो छोटी इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, छोटे फार्मर्स को भी नुकसान होता है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी, कि बड़ी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल वो भी नहीं मिल पाता है तो उनको भी काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियाँ वो भी बढ़ने लग जाती हैं, जैसे मच्छरों की समस्या वो बढ़ती है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उनकी वजह से उनको हेल्थ
के इश्यूज़ हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, और देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ की समस्या वो बढ़ने लग जाती है, और पानी की सप्लाई वो सब देखा जाए वो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। तो रेटरी ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को है ना, एक तो अगर हमारे देश में वेदर की वेदर जो फोरकास्टिंग अगर वो पहले टाइम पर हो जाती है तो इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो सकता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो स्टेट लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, गवर्नमेंट क्या कि पहले से स्टेप उठा के तैयार रह सकती है कि हाँ भाई इस बार बारिश ऐसे होने वाली है, बारिश ठीक ठाक नहीं होगी, तो इसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर स्टेप कदम उठा के रख लें जिससे कि हमें नुकसान ना हो फ्यूचर में। तो वो सारे स्टेप यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। तो बाद में राष्ट्र ये कह रहे हैं कि देखो जो WHO ने भी एक बात ये कही थी कि जो डेली अलर्ट अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वायरमेंट या जो क्लाइमेट है इसके बारे में डेली अपडेट होना चाहिए ताकि वेदर की जो फोरकास्टिंग वो पहले हो सके। इसके साथ ही देखा जाए तो एल नीनो और ला नीनो की समस्या भी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी है। तो इंडिया को राइट लास्ट में ये बात करें कि भाई पहले से तैयार हो रहना होगा, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया आँख बंद करके बैठा रहे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक आर्टिकल आज का रह गया है, वो आया था मेरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो उस आर्टिकल को हम कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के डिस्कस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।